गुड मॉर्निंग सभी लोगों का, आपका स्वागत है नोमैड करियर ब्लॉग्स में। एक बार फिर हम एक नई सफ़र के लिए निकले और आज हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज से 3 किलोमीटर दूर भागसुनाथ टेम्पल की ओर। और ये रहा मैक्लोडगंज से 3 किलोमीटर दूर जो भागसुनाथ का मेन स्क्वायर है। मेन स्क्वायर से आगे जाते ही कुछ इस टाइप की शॉप्स मिली हमें और कुछ रेस्टोरेंट्स वहाँ पर हैं, काफ़ी अच्छे यूनिक से होटल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, होम स्टेज होटल्स। और ये देवदार से भरी वादी, और जैसे ही मार्केट शुरू होती है तो यहाँ से आप कुछ 100 मीटर 200 मीटर नीचे उतरेंगे तो आपको भागसुनाथ टेम्पल मिलेगा। और भागसुनाथ टेम्पल के बारे में जहाँ तक कि मुझे पता है कि इसकी जो स्थापना की थी वो भागसु आपका कोई राजा हुआ करते थे राजस्थान के, उन्होंने की थी। और गोरखा लोगों ने 19वीं शताब्दी में फिर से इसका जीर्णोद्धार किया, इसको दोबारा से बनवाया। और गोरखा और हिंदू लोग दोनों ही लोगों के लिए ये मंदिर काफ़ी धार्मिक अपना मतलब रखता है। और ये सामने आपको दिख रहा है ये भागसुनाथ टेम्पल है जो शिव जी का एक टेम्पल है भागसुनाथ में स्थित। और ये अपने 2 कुंडों के लिए फेमस है जो इसके सामने 2 कुंड हैं। बताया जाता है कि ये जो जल आ रहा है ये सीधा धौलाधार जो पर्वत श्रेणी है वहाँ से निकल के ये जल नीचे यहाँ तक पहुँचता है। और ये हमेशा 12 महीने ये पानी हमेशा रहता है। और ये कुछ मंदिर की जानकारी यहाँ पे दी गई है। और अब जब भी आएँ तो गेट के बाहर आप शूज़ उतार के अंदर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे लिखा है कि एक गोरखा राइफल्स, तो उन लोगों के द्वारा ही मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। और ये जो 2 कुंड हैं आपको दिख रहे हैं सामने 2 कुंड, इन 2 कुंडों के लिए ही ये जगह फेमस है। और इसके आगे एक वाटरफॉल है यहाँ से निकल के बाहर कुछ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। नेक्स्ट अभी हम भागसु जो मेन स्क्वायर है उससे 200 मीटर अंदर आए हैं। और यहाँ पे पीछे देख रहे हो आप, ये भागसु में शिव जी का टेम्पल है एक, ये मेरे पीछे ऊपर टेम्पल है। और ये है कुछ छोटा सा एक पॉन्ड टाइप स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी ये जगह, काफ़ी अच्छी वाइब है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये लोकेशन पसंद आई होगी। और ऐसे ही आपको नए सफ़र पे फिर दोबारा हम मिलेंगे। और ऐसे ही कांगड़ा हिमाचल धर्मशाला की